नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। बीते 65 दिनों से किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी आवाज उठाने में तो सक्षम है ही, साथ ही मीडिया के कैमरे भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इनकी आवाज को रफ्तार दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं, हम उनकी आवाज बनते हैं जिनकी आवाज इस तूफान में कहीं गुम हो गई है। उनकी आवाज बनते हैं जिनकी आवाज को कोई उठाने की या तो जहमत नहीं उठाता या उठाने से डरते हैं। लेकिन पत्रकारिता और डर एक साथ एक पटरी पर नहीं चल सकते, तो हमने अपने साहस को झुकने नहीं देने का फैसला किया। हम चाहते तो भेड़चाल में आपको वही लूपनुमा तस्वीरें सैकड़ों बार दिखा सकते थे और एक वर्ग को खुश भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे संविधान में लिखा है कि यहां हर कोई बराबर है, तो इसको देखते हुए दूसरे पक्ष की आवाज उठाना भी लाजमी था। बस इसीलिए आवाज की टीम ने अपने रास्तों को बदला और पहुंच गए गांव में खेती कर रहे किसानों से मिलने, उनकी आवाज बनने। पहुंच गए उन ब्रेक लगे रास्तों पर जहां किसी को नौकरी खोने का डर है, तो किसी को बच्चे का इलाज कराने जाना है, तो किसी के घर उसकी बूढ़ी माँ अकेली है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये जो बिल गवर्नमेंट ने लगाए किसान के फायदे के लिए लगाए हैं और इससे फायदा है जब ही आगे ये गवर्नमेंट आगे इसे बढ़ा रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने का अधिकार मिलता ही, यह अधिकार मिलना भी चाहिए और यही लोकतंत्र की आत्मा है। यह जरूरी नहीं कि हर एक नागरिक सरकार के हर एक फैसले से खुश हो, इसलिए आंदोलन करना ही उनके पास आखिरी विकल्प बचता है। लेकिन इस क्रम में आंदोलनकारियों का मुख्य मार्गों और हाईवे को जाम करना एक गंभीर अलोकतांत्रिक मामला है। इससे उन आम लोगों को भारी असुविधा होती है जो बहुमत में है पर आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इस बहुसंख्यक पीड़ितों में अस्पतालों में अपने इलाज के लिए जाने वाले रोगियों से लेकर कारोबारी, नौकरी पेशा, विद्यार्थी और दूसरे तमाम लोग शामिल होते हैं। इसी कारण शायद बहुसंख्यक शेष लोगों का आंदोलन को नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। अब मौजूदा किसान आंदोलन को ही ले लें, इसके कारण दिल्ली की हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर किसानों ने सड़कों पर डेरा जमाया हुआ है। उनकी मांगों पर विचार भी हो रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि वह उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेगी। खेती और किसान के बिना तो भारत की कल्पना करना भी संभव नहीं है। किसानों के सड़कों पर बैठने के कारण आंदोलन का असर दिल्ली से दूर तक दिख रहा है, लेकिन इन लोगों की आवाज उठाना कोई जरूरी नहीं समझता। आपको याद ही होगा कि दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे जिद महीनों तक दिल्ली को भारी कष्ट हुआ था। अंत में उनकी आवाज बनी थी सुप्रीम कोर्ट। उन्हें सड़क से हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अपने अहम फैसले में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन एक सीमा तक हो, अनिश्चितकालीन तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि धरना प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थलों को न घेरा जाए, इससे आम जनता के अधिकारों का हनन होता है। कोई भी प्रदर्शनकारी समूह या व्यक्ति सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के बहाने सार्वजनिक स्थानों पर अवरोध पैदा नहीं कर सकता और सार्वजनिक स्थल को रोक नहीं सकता है। जरा याद करें 32 साल पहले यानी 1988 के महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन को। टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसान राजधानी के दिल्ली बोट क्लब पर आ गए थे। राजधानी के दिल में लाखों किसानों की उपस्थिति से सरकार के भी पसीने छूटने लगे थे, पर आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि किसानों ने सड़कों को उस वक्त नहीं घेरा था। इसके साथ ही हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि सड़क पर दिख रहे किसानों के अलावा उससे भी कई गुना ज्यादा किसान अभी भी खेतों में नून रोटी खा रहे हैं। उन्हें पिज्जा तो क्या, दो टाइम का साग भी नसीब नहीं होता। उन्हें वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना तो क्या, ट्यूबवेल में पानी आ जाए स्वर्ग है। ऐसे किसानों को माइक मिलना भी जरूरी है। ऐसे लोगों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए कि आखिर कानूनों से ये परेशान क्यों नहीं, क्यों ये कृषि कानूनों को लेकर मुखर नहीं होते, क्यों ये उनके खिलाफ नहीं है। इन किसानों में और आंदोलन कर रहे किसानों का वही खाता समान क्यों नहीं है। लोकतंत्र में आपको अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन का अधिकार है, तो बाकी को भी यह अधिकार समान रूप से है। वह आपके आंदोलन से दूर रहे, यह भी उनका अधिकार है। उस इंसान के हितों का सम्मान भी तो आंदोलनकारियों को ही करना होगा। दिल्ली के तमाम दरवाजों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास खुद के माइक है।
तो टीवी के माइक भी उनके पास भरपूर हैं। ऐसे में हमने फैसला लिया कि हम गांव में हल चला रहे किसान से भी बात करेंगे, हम गांव में ट्यूबवेल से पानी दे रहे किसानों से भी बात करेंगे, हम गांव में रोटी प्याज खा रहे किसानों से भी बात करेंगे, हम ठंड में खेत पर काम कर रहे किसानों से भी बात करेंगे। और इसी के लिए आवास की टीम के काबिल सदस्य अंशुमन पहुंचे गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर गांव में। वहां खेत पर डेरा जमाए किसानों ने क्या कहा, आप ये देखिए। ये जो बिल गवर्नमेंट ने लगाए किसान के फायदे के लिए लगाए हैं, और इससे फायदा है जब ही आगे ये गवर्नमेंट आगे इसे बढ़ा रही है, ये हमारे लाभ के लिए हैं बिल। हम जो अपनी फसल मार्केट में बेचते हैं, किसान कोई भी किसान आड़ती के यहाँ ले जाके गेरते हैं, आड़ती आएगा पैसा दिखाएगा इतने है, अपने भाव खरीद लेते हैं, कोई उसमें बोली नहीं लगती है, कोई उसकी कोई आगे बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, जिस भाव वो लेते हैं उसी भाव हम दे के चले आते हैं। अब नए बिल से बता रहे हैं कि नए नए जो कॉन्ट्रैक्टर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर में फ़ायदा है हमें, हो सकता है हम एक को ना दे के दूसरे को दें, तीसरे को दें, जो ज़्यादा लेगा हम उसे देंगे, हम क्यों देंगे फिर मार्केट में जाके गेर देंगे। हम अपना धान बेचते हैं तो धान की वहाँ जो उसका लेने वाला विक्रेता लेने वाला है वो इतने पैसे लगा दिया उसी में लेता है, वो आगे नहीं बढ़ाता है उसको कुछ भी। अच्छा। तो हमें फ़ायदा है इसमें, तीनों कानून सरकार ने बनाए हैं ये बहुत बढ़िया बनाए हैं और हमारे फायदे के नहीं आए। और जो ये जब पहले हम मंडी जाते थे तो मंडी आड़े थी हमको और आराम से थड़े पे बैठा दे और चाय बना के पिया दे और हमारे माल को फ्री में बेच दे, जो हमें बता दे वो हम मंजूर हो जाए। और आज हमारा जो खेती है जो हम बताएंगे कि हमारी 4 एकड़ या 10 एकड़ है वो हिसाब से उठेगी या व्यापारी आएगा और हमसे खेती का मूल्य देगा और एक से नहीं बात बनेगी तो दूसरे देगा तो हम उसको देंगे खेत को। अच्छा। हाँ, और हमें पैसा जो हमें मंडी में भागना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपनी फसल को कहीं बेचने को जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। तुम्हारे पास आदमी आएगा यहीं, हम अपनी फसल के दाम मांगेंगे और जब हम अपनी फसल के दाम मांगेंगे तो जो हमें दाम ज़्यादा से ज़्यादा देगा वह हम अपनी फसल बेचेंगे, बिल्कुल ठाट सुए से नींद लेके सोएंगे पूरे काम करके। जो खरीदने वाले आते हैं अपनी मर्जी से देते हैं, हम उनकी कोई मर्जी नहीं चलती। और जब पहले किसान जाते थे बेचने के लिए, हम बेचने जाते थे मंडी में तो गैर हिसाब से बिकता था और अब अपनी मर्जी से बिकता है, हमारी मर्जी से बिकता है। गाजीपुर में जो धरना चल रहा है किसानों का, वो कृषि कानून बिल के विरोध में चल रहा है, आप उसका समर्थन करते हो या नहीं करते हो? हम उसका समर्थन नहीं करते जी। कारण? कारण बहुत से हैं जी, उनकी बतलाते हैं बिके हुए बैठे हुए या जो भी है। अच्छा। जो भी बिके हुए बैठे हैं, जो इनका समस्या है। हाँ। हम उसके समर्थन में नहीं है, दिल्ली में बहुत देश के लिए बहुत हानि पहुँचाई है। किसानों को सुनने के बाद अब हम आपको उस कहानी पर ले जाते हैं जहां सबको ध्यान देने की जरूरत है। हम सिर्फ भावुक होकर एक ही पहर पर नजर नहीं बना सकते, हम हर उस शख्स की आवाज बनते हैं जो परेशान है, सच में दुखी है, जहां नेता अपनी रोटी क्या ब्रेड भी सेकना पसंद नहीं करते। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए आवाज की टीम के सदस्य मोहित ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर खुद का शहर बना चुके किसानों के पास अपनी रोजी रोटी चला रहे लोगों से भी बात की। जाम में रोजाना घंटों जाया करने वाले लोगों के सब्र का बांध कभी भी सुनामी ला सकता है। इनकी जिंदगी में छाए अंधेरे, इनकी जिंदगी में आए हुए अंधेरे के बीच हमने क्षमा जलाने की कोशिश की है। मेरा डेली का वसंत कुंज का ऑफिस है, हीरो मोटो कॉप में काम करता हूँ। डेली इस जाम और इस आपके आंदोलन के चक्कर में मुझे 1.5 घंटे जाने में लग जाता है और 1.5 घंटे आने में लगता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। 35 मिनट 40 मिनट में अपनी जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ पहुँच जाते थे, 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। कितने तो चालान फालतू के कट चुके हैं, आप हमारे हर आदमी को जानते हो, अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। प्राइवेट आदमी के बारे में कोई सोच रहा है? आम पब्लिक के बारे में कोई सोच रहा है? किसान क्यों ये कर रहे हैं आप लोग जानते हो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्शन में अपना वोट सिद्ध करना चाहते हैं। तो टाइम से हम नहीं पहुंचेंगे तो सैलरी तो कटनी जायज है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं सर। यहाँ पे जो 15 मिनट का रास्ता है ये कम से कम भी तो 1.25 घंटे में 1 घंटे में जाके पार हो रहा है और रूट इतना डाइवर्जन करा हुआ कि सभी को समस्या आ रही है। इस टाइम आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है सर, आम जिंदगी पे यही फर्क पड़ रहा है। अभी तो हमारा जो डेली का काम धंधा है सब ठप पड़े हुए हैं इस टाइम आसपास के। पहले मेरा 5 मिनट का रास्ता होता था यहाँ पे आने जाने का और अब 1 घंटा भी कम लग जाता, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता लगभग।
इससे इन्वायरमेंट को भी खराब हो रहा है, इतना गैस डीजल जल रहा है, ऐसे ही धुआं साफ सांस नहीं आती है। हम टीचर्स हैं नोएडा में और दिल्ली से आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमें ये इस टाइम पे। जो 15-20 मिनट्स लगता था अभी 1 आवर तक लग जाता है, और अलग अलग रूट से निकलते रहना पड़ता है हमें। ऑफकोर्स उनके भी रीजंस है जिसके लिए वो वहाँ खड़े हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डेमोक्रेसी है, सबको राइट है अपने अपनी बात रखने का। बट हाँ, ये जो थोड़े से ट्रैफिक और ये सब प्रॉब्लम्स है वो ट्रबल तो करते ही। गवर्नमेंट शुड स्पीक अप टू देम, उनसे बात करें और सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, सो दैट बाकी लोगों के लिए थोड़ा इजी हो, स्पेशली ये सब प्रॉब्लम्स। डेली परेशान हो रहे हैं, 3-3 घंटे जाम में फंसे रहे हैं, बहुत बहुत परेशानी हो रही है। ना हम काम पे जा पा रहे हैं, ना धंधे पे जा पा रहे हैं, ना ड्यूटी पे टाइम पे पहुंच पा रहे हैं, छुट्टी कर पा रहे हैं। पहले तो 10-15 मिनट लगते थे बस पहुंचने में, अब 3 घंटे लगते हैं। किसानों के पक्ष को लगातार 65 दिनों से हर कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन भीड़ में जाम लगा हुआ है और वहां पर एक व्यक्ति परेशान है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? एक घर है जहां एक बूढ़ी माँ अकेली है, उसका बच्चा उस पार फंसा हुआ है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसे लोगों की आवाज उठाने का फैसला हमने किया और हमने वही आपको सब कुछ दिखाया। अब फैसला आप पर छोड़ रहे हैं। गांव में जो खेती कर रहा है वो भी किसान है, क्योंकि आंकड़ों की बात करते हैं तो 135 करोड़ के इस देश में जहां पर 70-75% जो लोग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कुछ लाख भर किसान जो है सड़कों पर है, तो बाकी किसान कहां है? बाकी किसान खेत पर हल चला रहा है, और ऐसे लोगों की बात को सुनाने समझाने का फैसला हमने किया। हमने अपने काबिल सदस्यों को, आवाज की टीम के लोगों को वहां भेजा और आपके लिए मालूमात इकट्ठे किए। इसके बाद क्या कुछ कहना है हमारे रिपोर्टर आदित्य का, उसको भी सुनते हैं। आदित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये बताइए, हर कोई बात कर रहा है किसानों की जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है उन किसान नेताओं की जो वहां पर मौजूद हैं, जो रो रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आ चुकी हैं, तो ऐसे में इनकी आवाज क्यों नहीं कोई बनता, इनकी बात क्यों नहीं कोई कर रहा? क्योंकि जाम बहुत बुरा लगता है। आपको पता है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघूपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ये चिन्हित बॉर्डर्स के नाम ले रहा हूं, इसके अलावा भी कई जगह आंदोलन चल रहा है। जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो यहां की स्थानीय जनता कितनी परेशान होती है। बीते साल दिल्ली में शाहीन बाग का मामला, वहां भी रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, यहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग चलकर जा रहे हैं बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए। तो ऐसे में ये लोग जो परेशान हैं, इनकी परेशानियों का जिम्मेदार कौन है? कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में आदित्य, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों की बात क्यों नहीं उठाई जाती, इन लोगों की बात कोई क्यों नहीं करना चाहता। जी आदित्य। जी काबेंद्र, आपको बिल्कुल ये बात सही है बिल्कुल, कि जिस तरह से किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये 60 दिनों से जो आम जन जीवन को जिस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, जैसे कि आप देखते होंगे वर्किंग डे के दिन जो है जिस तरह से सड़कों पर और जो जाम लगता है, उससे आम जनजीवन जो है उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जैसे चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, और साथ ही साथ जो टिहरी बॉर्डर हो, वहाँ पर जो है जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उससे जो है काफ़ी वहाँ के रास्ते जो बंद पड़े हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं उनको काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और आप एक चीज़ वहाँ पर गौर देने वाली चीज़ है कि जिस तरह से जो वहाँ पर जो लोग हैं वो इसका विरोध कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो जिस तरह से जो 26 जनवरी को जो जिस तरह की घटना होती है, उसके बाद जो है लोगों में इस चीज़ का रोष जागा है, चाहे आम जन हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे इस पर किसानों का जो मुद्दा है, किसान जो कैसी बिल है उसको लेकर मुद्दा बनाया गया है, उस पर आम चर्चा होती है, लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। जी काबिन जी, आदित्य इसके साथ एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा, क्योंकि हम जिस जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पत्रकार के रूप में जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, ये सरकारों का काम है। सरकारें भी इस चीज को क्यों नहीं समझती, या समझना नहीं चाहती, या राजनीति अहम है,
बिल्कुल काबेंद्र, सरकार को जो है इस कृषि बिल जो किसान धरना दे रहे हैं उनके उनको लेकर जो है जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, और साथ ही साथ वहां पर जो जिस तरह से लोग काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था हो वो पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है, उसको लेकर जो है कुछ ना कुछ सरकार को समाधान इसका जल्द से जल्द निकालना होगा, और ये समाधान जो है बिल्कुल जल्द से जल्द निकालना होगा। आज जैसे कि राकेश टिकैत जी जो हैं भाषणों के दौर अभी भी जारी है, साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी जो जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथ जो है मीटिंग की है उसको लेकर जो है आज अब आज जो है देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, और साथ ही साथ जो एक तारीख को बजट आना है उसमें भी कृषि बिल पर जो क्या मोहर लगती है ये समय ही बताएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आदित्य आपने तमाम जानकारियां देने के लिए। आंदोलन कब तक चलेगा ये समय पर छोड़ते हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों को दिखाना हमारा काम है और हम अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ते। हम सिर्फ अपना गाना नहीं गाते, हम सूरत हाल दिखाते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं। धन्यवाद।